नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मोबाइल फ़ोन से बिल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन का यूज़ करना है जिसका नाम है माई बिल बुक ऐप। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपना GST वाला बिल या नॉर्मल बिल, यदि आप कोई भी स्टोर चलाते हैं या कोई अच्छा बिजनेस करते हैं, तो आप इसकी मदद से बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर और आपको यहाँ पर सर्च करना है माई बिल बुक। तो माय बिल बुक ऐप अभी हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए, इस एप्लीकेशन का पूरा नाम है माय बिल बुक बिलिंग इनवॉइसिंग एंड इन्वेंट्री ऐप। इसकी रेटिंग है 4.4 स्टार है और ये 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों, अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है और ये हमें यहाँ पर लैंग्वेज बताएंगे, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। तो हम यहाँ पर सिंपली से इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमें मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है और कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, फाइनली हमने OTP डाल के और जो हमारा होम पेज है वो आ गया है। अब मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि कैसे बिल बनता है, कैसे स्टॉक मेंटेन होता है, कैसे पार्टी ऐड होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे साइड देखिए डैशबोर्ड लिखा है, डैशबोर्ड के लास्ट में देखिए आप मोर का ऑप्शन है, तो मोर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस नेम, जो भी आपका बिजनेस नेम है, वो आपको अपडेट कर लेना है। तो हम यहाँ पर कंपनी एंड GST सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अपना बिजनेस नेम ठीक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं अमन मोबाइल, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर यदि आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है यहाँ पर, जो भी है आपका ऑनलाइन स्टोर का। इसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप जो भी हो, आप बिल्कुल यहाँ पर टिक लगा सकते हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जो भी हो, आप बिल्कुल डिटेल पर टिक लगा सकते हो। इसको ओके करना है। इसके बाद आप अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट नंबर, फिर सेकेंड वेरीफाई अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम और अकाउंट होल्डर नेम। इसको आपको डन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट इंडस्ट्री टाइप, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जिस भी प्रकार की आपके एक्सेसरीज है, आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं और इसे डन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी मोबाइल एंड एक्सेसरीज पर टिक लगा दिया है और इसे डन कर देते हैं। ये हो गया, इसे हम कर देंगे अपडेट। तो ये अपडेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है बुल्क अपलोड आइटम्स, इसके बाद आप अपना UPI ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप सेटिंग में अपना स्टाफ मैनेज कर सकते हैं, इनवॉइस सेटिंग को सुधार सकते हैं, प्रोफाइल सेटिंग सुधार सकते हैं, ऐप की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और अब हम चले आते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड में हमें एक डेमो वीडियो मिल जाता है और साथ ही हमें मिलता है रिसिप्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, परचेज का ऑप्शन मिलता है, रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके बाजू में मोर लिखा है, तो मोर पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पेमेंट आउट का भी ऑप्शन मिलता है, एस्टिमेट का ऑप्शन, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस, यानी एक बिल बनाने के लिए आपको जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो आपको इस एप्लीकेशन में सारी की सारी मिल जाएंगी। अब डैशबोर्ड के बाजू में हमें मिलता है पार्टीज, तो हमें यहाँ से सबसे पहले पार्टी ऐड करना है। पार्टी यानी जिसको आप बेचते हो या फिर आप खरीदना चाहते हो, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अलाउ का बोलेंगे, तो आपको जो भी आपकी मर्ज़ी आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना डेनी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पार्टी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने कर दिया, यहाँ पर हम पार्टी का नेम लिखेंगे, तो पार्टी का नेम लिख देते हैं हम मिस्टर जय, ये हमने लिख दिया। आप साथ ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो, आप उनकी पार्टी टाइप भी लिख सकते हो कि ये कस्टमर है या फिर सप्लायर है। आप उनका GST नंबर, एड्रेस, बैलेंस डिटेल, यहाँ पर सब कुछ अपनी पार्टी क्रिएट करते समय ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसे सेव कर देते हैं और ये हमने पहली पार्टी जो है हमारी ऐड कर दी है। तो देखिए, जो मिस्टर जय है वो हमें दिखने लगे। इसके बाद कैश सेल जो एक है हमें डेमो के रूप में इस एप्लीकेशन के तरफ से मिला हुआ है। इसके बाद है आइटम्स, तो आइटम्स में मैंने यहाँ पर कुछ ऐड करके रखा था और मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। तो आपको क्रिएट न्यू आइटम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है सिंपली से आइटम नेम। तो हम नेम जो भी है हमारा, जो भी हम सेल करते हैं, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर मोबाइल कवर, ये हमने लिख दिया मोबाइल कवर। इसके बाद आप सेल प्राइस जो भी आपका है वो आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 रुपीज़। आप अपना परचेस अमाउंट डाल दे सकते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 80। और इसके बाद यहाँ पर देखिए सेंटर पे जो मिला है हमें स्टॉक, यहाँ पर आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं आपका। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 कवर है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे ही हमें दिख रहा है लो स्टॉक वार्निंग। क्या आप लो स्टॉक वार्निंग, यदि आपके पास स्टॉक ख़त्म होता है तो आप चाहते हो कि आपको पता रहे कि आपके पास कितना स्टॉक बचा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर टिक लगाना है और यहाँ पर हमें
क्वांटिटी लिखना है कि कितने कवर बचने पर हमें यह वार्निंग देगा कि आपके कवर ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पर हम जैसे 10 लिख देते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। अभी देखिए हमारे पास इतने सारे आइटम जो है ऐड हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली से डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें बिल ऑब्लिक इनवॉइस लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपका बिल यहाँ से आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है बिल टू, बिल आप किसके नाम पर बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे मिस्टर जय, ये हमने क्लिक किया और ये हमारा मिस्टर जय आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड आइटम्स पर क्लिक करना है, तो हमने कर दिया ऐड आइटम्स पर क्लिक। अब हमें क्या करना है, जो भी आइटम हमें बेचना है तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं मोबाइल कवर, जितना भी आप क्वांटिटी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्वांटिटी कर देते हैं 5 और यहाँ पर कर देंगे हम इसे सेव। यदि आप और भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो बिल्कुल। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हमारा बिल जो है आसानी से तैयार हो गया। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो बिल है वो बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। इस तरीके से बेस्ट बिल इस एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं। यदि आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ऊपर साइड यहाँ पर पेंसिल की बटन है, इस बटन पर आप क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं जो भी आप एडिट करना चाहते हैं। और इसे आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें प्रिंट का भी ऑप्शन है, नीचे साइड डाउनलोड का ऑप्शन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया माय बिल बुक एप्लीकेशन के बारे में, जो बहुत ही आसान और इजी है मोबाइल फ़ोन में बिल बनाने के लिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने आज डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके माय बिल बुक ऐप सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं, यदि आप कंप्यूटर चलाते हो तो ये कंप्यूटर के डेस्कटॉप वर्जन में भी अवेलेबल है, वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।